डबल जरूरी है, कैरी केसेस है, इस तरह के कैरी केसेस है जिसके अंदर हमें आर आई सी के कुछ कंपोनेंट मिलेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक एमसीडी डिवाइस है जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ कनेक्टर है, जैसे डीसी केबल है, ओटीजी केबल है, ओटीजी कनेक्टर है, देन RS232 कनेक्टर भी है, साथ में इथरनेट और यूएसबी भी है, ऑन ऑफ स्विच है। उसके बाद में इसके साथ में आएगा एक 3G एंटीना, उसको साथ में ही यहाँ पे एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बायोमेट्रिक स्कैनर है, मल्टी फंक्शनिंग कीबोर्ड है, उसके बाद में टच स्क्रीन डिस्प्ले है, और साथ ही साथ इसके साथ में एक स्टाइलस भी दिया हुआ है। अगर डिस्प्ले को फुल स्टाइलस से भी आप वर्क कर सकते हैं, और इसके साथ में इसमें यहाँ पे एक कार्ड स्वैपिंग मशीन भी दी हुई है, और यहाँ से भी आप स्मार्ट कार्ड स्वैप कर सकते हैं। देन इसके अंदर एक बैटरी आती है, साथ ही एक सिम कार्ड आता है, और एक 16 GB का मेमोरी कार्ड आता है। इस तरह से इसके ये डिवाइस है। इसकी जो बैटरी है कुछ ये पीछे के साइड में जो है, यह है इसकी बैटरी, ये बैटरी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह की बैटरी है, इस तरह की एक बैटरी है RICTC की, सॉरी इट्स MCD डिवाइस की। ये बैटरी का क्रेडल है, एक क्रेडल के अंदर बैटरी इस तरह से लॉक कर सकते हैं, और देन बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी इसमें भी चार्ज कर सकते हैं, और ये चार्जिंग पॉइंट है, और साथ ही साथ ये है इसका बैटरी का चार्जर। जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे चार्जिंग दिखाएंगे, और फिलहाल चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी को यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। जैसे हम ये निकाल लेते हैं स्टिकर, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी चार्जिंग दिखा देंगे। यह है चार्जिंग का, जो चार्ज हो रही है ये पावर का है, अगर चार्जिंग कंप्लीट होती है तो अपना हर लाइट लग जाएगा। बैटरी को निकालेंगे, ये इसके अंदर की बैटरी है, और साथ ही साथ इसके अंदर दो LED दिखे हुए, अगर चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग का LED लगेगा। जैसा अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, LED लगेगा, और इधर इसको इथरनेट से, अगर इथरनेट केबल से इसको अगर किसी डिवाइस को कनेक्ट करते या लैपटॉप को कंप्यूटर को कनेक्ट करते तो लैन कनेक्टिंग दिखाएंगे। लैन कनेक्टिंग का ये हरा लाइट है, ये है रेड लाइट चार्जिंग का, अभी इसको हम चार्ज स्टार्ट करेंगे। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा स्टार्ट करने के लिए। चार्ज होना चाहिए, हो रहा है, स्टार्ट होने के लिए इसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक अपन देखेंगे इसके दूसरे डिवाइस के बाद। इसके साथ में एक RS232 केबल आता है, RJ45 कनेक्टर वाला केबल आता है, देन इसके साथ में आएंगे एक OTG केबल, देन एक USB केबल। ये OTG USB एक्सटेंशन केबल है, और ये OTG USB केबल है। साथ ही साथ इसके साथ में आता है एक मल्टी फंक्शनिंग बारकोड स्कैनर, ये बहुत ही एडवांस स्कैनर है, ये इस तरह का एडवांस है। इसके अंदर देखेंगे तो आप इसको, आप इसमें आपको कैमरा और LED की दिखेगा। ये बारकोड स्कैनर मल्टी फंक्शन स्कैनर है, इसके साथ आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में ये बारकोड के स्कैनर का केबल है जो यहाँ से कनेक्ट होता है, और इसकी सेकंड साइड जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको एक कैमरा भी मिलता है, LED क्लियरिटी वाला कैमरा भी है, और साथ ही साथ फ्लैश लाइट भी दिया हुआ है, यानी इससे आप फोटो भी निकाल सकते हैं। ये अभी हमारी मशीन चालू हो रही है। साथ ही साथ इसके साथ में एक पिन पैड भी है, ये पिन पैड जब कार्ड स्वैप करेंगे तो इसमें पिन डालने के काम आता है,
ये अपना पिन पैड है हनीवेल कंपनी का, नहीं सॉरी हनीवेल कंपनी का अपना स्कैनर है, और ये विजन टेक का है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलेगा, ये तो हो गए केबल इसके, ये स्कैनर, और ये है इस छोटे से प्रिंटर का पेपर रोल, यहाँ से इसे लोड कर सकते हैं, लोड करने के बाद में एक काम करना शुरू करेंगे। अभी जैसा यहाँ पे इसमें बता रहा है कि शायद नेटवर्क का है, चलो ठीक है, मैं इसका किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं ये अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, और अब ये डिवाइस का यूज बताएंगे हम। ये डिवाइस यूज हो रहा है पोस्ट ऑफिस में, जो रूरल पोस्ट ऑफिस है वहां पे ये डिवाइस यूज हो रहा है, और ये कैरी केस के अंदर पूरा प्रिपेयर करके पोस्ट ऑफिस के अंदर आएगा। ये जो है ये कैरी केस का बेल्ट है, यहाँ से यहाँ तक लगाने का, कैरी केस हैंडल भी करेंगे और बेल्ट से अपन लेके जा सकते हैं। अब इसके साथ में आपको एक 16 GB का ऐसा 4 GB का एक पेन ड्राइव भी आता है, और सैंडिक्स कंपनी का आता है, और कुछ इसके साथ में मैनुअल भी है। नमस्ते दोस्तों, आपसे फिर से एक बार आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हमने अभी जो देखा है एमसीडी डिवाइस, वो डिवाइस हम पोस्ट ऑफिस में लगा रहे हैं, हर पोस्ट ऑफिस ने, इंडिया के हर पोस्ट ऑफिस ने इसको चला रहा है, इस एक दर्पण प्रोजेक्ट के हिसाब अंडर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अंदर कस्टमर का अकाउंट ओपन होता है, देन कस्टमर का पूरे डिटेल्स इसके अंदर फीड होती है, उसके बाद में इसमें कार्ड स्वैपिंग मशीन है, बायोमेट्रिक स्कैनर है आधार से लिंक करने के लिए, उसको भी बहुत ही अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद में इसका बहुत सारा काफी अच्छा और रिलायबल मशीन जो है ये एमसीडी है, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस इसका नाम है, ये बहुत ही रिलायबल है। चलो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पास कीजिए। थैंक यू।